हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर नंबर 21 में आपका स्वागत है। तो आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो इससे पहले हम लोगों ने जो मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में जितने भी वीडियोज़ हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोज़ को प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पूरी की पूरी सीरीज़ में हम लोग यूपीएससी या फिर अलग अलग पीसीएस में जो हिस्ट्री ऑप्शनल में मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और इसके साथ यहाँ पे पिछले 20 साल में यूपीएससी ने जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स अगर देखा जाए तो ये मेजर रॉक एडिक्ट से पहले आई थी। तो कहा जाता है कि ये जो रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, यानी कि शिलालेख रॉक के ऊपर खुदाई की गई थी यहाँ पे, तो मेनली अशोका के जो उनके शासन के पहले चरण की यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे लिखा था। तो मेनली जो अशोका ने माइनर रॉक एडिक्ट्स में इंडियन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, तो ज़्यादातर ग्रीक या फिर एरामिक लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जिन रॉक एडिक्ट्स पे ग्रीक या एरामिक लैंग्वेज यूज़ किया जाता है उनको माइनर रॉक एडिक्ट्स बोला जाता है। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स मेजर रॉक एडिक्ट से जनरली पहले की टाइम के बोला जाता है, और वहाँ पे उन्होंने जो है धर्मा, जो प्राकृत लैंग्वेज में जिसको धम्मा भी बोला जाता है, उसको प्रोपागेट करने के लिए स्टार्ट किया था। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट्स हो गई, माइनर रॉक एडिक्ट्स हो गई, बहुत एक डाइवर्स टॉपिक है, बहुत कुछ सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। नॉट ओनली फ्रॉम मैप बेस्ड क्वेश्चन, आपको एंशियंट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सर आपको वैसे भी जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिए डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी जो ई बुक है जिसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिटेल में हर चैप्टर के शुरू होने से पहले उसके बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग उसके जो मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ उस बुक को परचेज कीजिएगा, बहुत ही कम कीमत है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। 300 से भी ज़्यादा साइट्स यूपीएससी में जो पूछे गए हैं प्रश्नों में उसको सॉल्व किया गया है और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है विथ इमेजेस एंड मैप्स के साथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अभी तक माइनर रॉक एडिक्ट्स में यूपीएससी ने जितने भी सवाल पूछे गए हैं या फिर अलग अलग टेस्ट सीरीज या पीसीएस में, उसको यहाँ पे हम लोगों ने जो है गूगल मैप में साइट करके डिस्कस किया है यहाँ पे। तो पहला आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी जो है महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, देन बहापुर जो है लगभग दिल्ली के आसपास, यहाँ पर बहापुर आपको दिख जाएगी, सिद्धापुर जो है कर्नाटका, कर्नाटका एरिया में काफ़ी सारे आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स मिल जाएगी, मास्की मिल जाएगी, जातिंगा रमेश्वरा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के आसपास, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर के आसपास जो है नित्तूर मिल जाएगी आपको, देन गुजरा जो है आपको एमपी के यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास मिल जाएगी। देखिए ये साइट्स की एक्यूरेट लोकेशन मैं बार बार कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले साइट की एक्यूरेट लोकेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश कीजिएगा कि गूगल मैप में जाके साइट को लिख के उसको जूम इन एंड जूम इन आउट करके, ताकि आपको पता लग सके कि कौन से स्टेट में कौन सा साइट ईस्ट में है, वेस्ट में है या फिर बॉर्डर लाइन में है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेम कैटेगरी के दो साइट आपको पूछ सकती है यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए। तो साइट की लोकेशन एक्यूरेटली जानना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद साइट की डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स है उसके बारे में, क्योंकि एक ही जो प्लेस को अलग अलग कैटेगरी में, मल्टीपल कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो अगर आपने उसको नहीं समझा, खुद से प्रिपेयर नहीं किया, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जो मेरी बुक है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी इसमें, मल्टीपल कैटेगरी की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको पता चल जाएगी और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ब्रह्मगिरी, ये जो ब्रह्मगिरी एडिक्ट है, जो माइनर रॉक एडिक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व एडिक्ट कहा जाता है अशोका के कर्नाटका में है।
तो यहाँ पे बड़े बड़े जो बोल्डर जो जेनेसिस है यहाँ पे, जो ब्रह्मगिरी हिल में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो ये इंस्क्रिप्शन जो इशू किया गया था सुवर्णगिरी, जो एक वर्ड है जिसका नाम है आर्यपुत्र और महामंत्रा ऑफिसर्स, तो उनके जो देवनम प्रिया अशोका का नाम था उनके कमांड पे ये इशू किया गया था। तो ये इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया था, ये राइटर जो है चापाड़ा बोला जाता है, और ये इंस्क्रिप्शन लिखा गई थी यहाँ पे खारोस्थी स्क्रिप्ट में। तो ये जो प्लेस है इसको इसी ला जो बोला गया है, जो अशोका के माइनर एडिक्ट ब्रह्मगिरी में दिखाया गया है। तो आज के जमाने के बाद ब्रह्मगिरी दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी। नेक जो है बहापुर, तो ये अशोका का जो एडिक्ट है दिल्ली में पाए जाते हैं, जहाँ पे अशोका ने जो धर्म का टीचिंग के बारे में मेंशन किया है, जो टीचिंग्स उन्होंने बुद्ध जब रिलीजन उन्होंने एक्सेप्ट किया था उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लिखवाया था। तो ये जो इन सीटू रॉक्स है वहाँ पे ही जाके एनग्रेव किया गया था, यहाँ पे पूरी की पूरी एम्पायर में यहाँ पे जो है उन्होंने प्रोपागेट किया था। तो ये इंस्क्रिप्शन देखिए प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, तो प्राकृत लैंग्वेज यानी कि उस जगह की जो लोकेट लैंग्वेज पे उसको लिखी गई है, जो एवरीडे लैंग्वेजेस पे यूज, एवरीडे स्पीच में उसको यूज किया जाता था। तो यहाँ पे लोगों को मेनली जो मॉरल सिखाया जाता है, यहाँ पे सिविलाइज लाइफ कैसे जीनी चाहिए, शांति से हार्मोनी से कैसे जीनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बहापुर माइनर रॉक रिलीफ में लिखी गई है। तो आज के जमाने में आप देखेंगे तो ये दिखने में कुछ ऐसे दिखेंगे। मास्की जो है कर्नाटका में, जो मास्की रिवर है उसके आसपास ही है, जो मास्की रिवर तुंगभद्रा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। तो मास्की ये जो नाम है महासंगा या फिर मासांगी से आया है। तो इसमें जो पहला एडिक्ट जो है अशोका का, तो यहाँ पे अशोका का नाम जो है अशोका के नाम से लिखा गया है, बाकी सब काफी जगहों पे अशोका के नाम देवनाम पियादासी के हिसाब से है। तो ये एक बहुत ही कम जगह पे अशोका का नाम अशोका के हिसाब से लिखा गया है। तो ये माइनर एडिक्ट का जो नंबर वन है, ये हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो अशोका का जो टाइटल जो है देवनाम प्रिया और उस अशोका जो लिखा गया है, देवनाम प्रिया का जो मीनिंग है बिलॉव्ड ऑफ गॉड्स। आपको वैसे भी ये सब जब आप जीएस पेपर में पढ़ेंगे आपको पढ़ाई वैसे भी करनी ही पड़ेगी। तो आज के जमाने के मास्की जो माइनर रॉक रीडिंग दिखने में कुछ ऐसे दिखेगी। नित्तूर पूछा गया था 2016 में, तो ये जो है एक हिली रॉक में लिखा गया है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ पिक्चर देखने को मिल सकता है, और ये इंस्क्रिप्शन जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे भी इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में सोर्सेस या इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो बहुत बुक्स या फिर अलग अलग रिसोर्सेस से ढूंढ के निकाला है। तो क्या होता है कि आपको एक ही जगह डिपेंडेबल एक सोर्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो मेरी बुक आपको इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि आप खुद से ढूंढने जाएंगे आपको प्रॉपर या फिर रिलायबल सोर्सेस नहीं मिल सकते हैं। तो बिकॉज ये यूपीएससी में आया था तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आज के जमाने में नितुर अब देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ये था हम लोग का एनालिसिस रिगार्डिंग जो माइनर रॉक एडिक्स ऑफ अशोका। बाकी जितने भी मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं सब कुछ आपको मेरे ई बुक में मिल जाएगा, उसको प्लीज आप परचेज कीजिए, बहुत ही कम कीमत है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। मेरी वीडियो सुनने के बाद आप अगर उस बुक को फॉलो करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा टाइम तक आप रिटेन कर पाओगे। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी वाइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।